हेलो एवरीबॉडी एंड वेलकम टू आवर व्लॉग। आज हम एक रोड ट्रिप स्टार्ट कर लेंगे और हमारे पास 3 दिन हैं और आज हम फिनलैंड की जो कोस्ट लाइन है कोस्ट लाइन की तरफ घूमने जा रहे हैं। तो उसके लिए जैसे जैसे हम आगे जाते जाएंगे आपको उसके बारे में और बताते जाएंगे, लेकिन अभी उससे पहले गाड़ी का हमारा फ्रंट मिरर का जो वॉशिंग लिक्विड होता है वो ख़त्म हो गया। रास्ते में रुके हैं, यहाँ से जाके पहले गाड़ी का जो लिक्विड लेते हैं उसके बाद आगे निकलते हैं और आपको साथ साथ बताते रहेंगे। तो अभी जिस जगह हम मौजूद हैं उसका नाम है तांपेरे और जहाँ जाने का प्लान है उसका नाम है कानविक, जो यहाँ से तकरीबन 204 किलोमीटर है और अकॉर्डिंग टू गूगल वहाँ पहुँचने में हमें तकरीबन 4 घंटे लगेंगे और 3 घंटे 37 मिनट लगेंगे, लेकिन अगर हम रास्ते में रुकते हैं फिल्मिंग करते हैं तो इससे ज़्यादा ही टाइम लगेगा। और यहाँ पर जैसा आप देख सकते हैं कि समंदर का हिस्सा शुरू हो जाएगा, तो इसको क्रॉस करने के लिए हमें फेरीज यूज़ करनी पड़ेंगी। तो बहुत खूबसूरत नज़ारे आज जो है हम देखने वाले हैं, तो बिना टाइम ज़ाया किए निकलते हैं यहाँ से। घर से निकलते वक्त कॉफ़ी नहीं पी क्योंकि एक्चुअली कॉफ़ी ख़त्म हो गई थी घर में और अब मुझे शदीद किस्म का सर दर्द हो रहा है। और ये जहाँ पर हम आ गए हैं यहाँ इधर कोई कॉफ़ी की कोई कैफेटेरिया वगैरह कुछ नज़र नहीं आ रहा, तो भाई अब ये सर दर्द लेके बैठा हूँ। ये बड़ी गंदी आदत पड़ जाती है कॉफ़ी की, अगर कॉफ़ी ना मिले तो फिर बुरा हाल हो जाता है, दिन ही ख़राब हो जाता है बंदे का। आई होप के सून कोई शॉप वगैरह मिल जाए। ड्राइवर प्लीज कैन यू स्टॉप समवेयर इफ यू विल फाइंड अ कैफेटेरिया। मुझे कॉफी ना ही पसंद है। अब भाई मुझे तो चाहिए ना, आई नीड कॉफी। इफ यू डोंट लाइक कॉफी मैं नहीं नीड इट। तुझे नहीं चाहिए? नहीं मुझे तो चाहिए ना। मैं बहुत अच्छा। हां तू बहुत अच्छा, हम बहुत बुरे। काफी ला गया कैफेटेरिया। यार प्लीज स्टॉप कर, कहीं काफी ला में मुझे कॉफी चाहिए, मेरा दिमाग फट जाएगा नहीं तो। राइट टर्न कर लेंगे। मेरा देयर इज कैफेटेरिया। ओ व्हाट द हेल यार। मेरा बेटा या यस इट वाज नॉट दिस वन। इट वाज नॉट दिस वन। सो वी टर्न अराउंड। यो हियर इट इज, हियर इट इज। या लुक हियर इज कैफेटेरिया। या you were trying to escape from there, so no, I will not get the coffee. I saw it, it's here and I was driving and you were crying. I was thinking you make drama, huh? Yeah. Finally bhai coffee mil gayi hame. Ye piche ek chhota sa cafeteria. Archipelago is a area hai jo ke bahut sara islands per mushtamil hai. फिनिश आर्किपेलागो स्वीडन और फिनलैंड के दरमियान वाकिया है और इन आइलैंड्स की तादाद तकरीबन 25,000 है। जबकि ये एरिया बहुत बड़ा है और आइलैंड की तादाद भी बहुत ज़्यादा है, लेकिन फिर भी यहाँ रहने वाले सिर्फ और सिर्फ 22,000 हैं। और इन आइलैंड्स में से ज़्यादातर आइलैंड ऐसे हैं जिन पर कोई इंसानी आबादी मौजूद नहीं है, तो उनका बाहर की दुनिया से कोई ताल्लुक नहीं है। जी तो हम एक जगह यहाँ पहुँच गए हैं जहाँ से हमने फेरी लेनी है पहला आइलैंड पे जाने के लिए। समंदर रास्ते में थोड़ा सा समंदर है उसको क्रॉस करने के लिए, तो यहाँ पर लंबी लाइन लगी हुई है। गाड़ी पीछे हमने खड़ी कर दिया लाइन में क्यू में और ये आगे लंबी लाइन है। अब वेट करते हैं, अभी 1 घंटा पड़ा है, देखते हैं कि अगर इस फेरी पर जगह मिलती है या नहीं, लेकिन चलते हैं आगे देख के आते हैं। अभी ये हमारे पहली फेरी, ये हमारी पहली फेरी है। दिस इज आवर फर्स्ट फेरी बट नॉट द लास्ट वन। नॉट द लास्ट वन। वी हैव प्लान टू गो ऑन 10 आइलैंड्स। इज इट 10 आइलैंड्स? वेल आई थिंक इट वाज अराउंड 10 आइलैंड्स, बट इट्स नॉट लाइक दैट एवरीथिंग नीड्स फेरी। देयर माइट बी लाइक बिग ब्रिजेस और स्मॉलर फेरीज। और तो अब देखते हैं, अभी ये पहले आइलैंड पे बस अभी लाइन तो
बहुत लंबी लाइन है अगर जगह मिलती है इस पहली फेरी पे या नहीं, क्योंकि आई थिंक आफ्टर हाउ मेनी टाइम्स द फेरीज आर मूविंग, लाइक हाउ ऑफ्टन दे आर गोइंग? नाउ इट्स गोइंग ऑल द वे ऑल द टाइम लाइक. अच्छा. और द फर्स्ट लाइन हियर इज फॉर टूरिस्ट्स एंड द लेफ्ट वन इज फॉर द लोकल्स. तो बहुत लंबी लाइन है पीछे. हाँ. तो आई थिंक, मुझे नहीं लगता कि इस पहली फेरी पे हमें जगह मिलेगी, क्योंकि ये आपको नज़र आ रहा है अभी आगे ये सब गाड़ियाँ उधर ही जाएंगी और हमारी गाड़ी अभी बहुत पीछे है. अभी हमारे बाद भी आएंगी और गाड़ियाँ. तो ये सामने वो ये यहाँ तक लाइन है, वो सामने है. तो भाई वेट करना पड़ेगा, मुझे नहीं लगता कि हमें जगह मिलेगी. इस साइड से जो फेरी उधर से आई है वहाँ से सारी ट्रैफिक आना शुरू हो गई है वापस. एज यू कैन सी, ये सारी ट्रैफिक उधर से आ रही है. तो जब ये फेरी खाली हो जाएगी तो फिर हमारी लाइन भी मूव होगी यहाँ से. तो अब देखते हैं कि, उम्मीद है कि इस फेरी में हमें जगह मिल जाए, वरना नेक्स्ट का वेट करना पड़ेगा. हाउ आर यू फीलिंग? सो वार्म. इट्स सो हॉट. Quite hot, yeah. Yeah, because. But it's nice. No, now they are moving. Let's go. The, yeah. तो भाई गाड़ियाँ लाइन मूव होना शुरू हो गई है. निकलते हम भी निकलते हैं थोड़ा सा आगे. Let's see if we are going to get the place or not. Yeah, I think it's going to be quite tight. Should I put the safety belt so the car is not winding? Yeah. So we are moving now. We didn't wait so long. Yeah, we didn't wait so long. We heard. हमें बताया था कि अगर आप इस बोर्ड से आगे हैं, ट्रैफिक वाले बोर्ड से, तो आपको इस फेरी में जगह मिल जाएगी, क्योंकि जो फेरी में लिमिट है वो इस बोर्ड तक ही है. मतलब जहाँ इस बोर्ड तक जितनी गाड़ियाँ होंगी वो वहाँ फिट हो सकती हैं. तो अब हम इस बोर्ड तक तो आ गए हैं, अभी आगे देखते हैं क्या बनता है. But somehow the cars are still fitting there, so I don't know what kind of miracles they are doing there. So भाई वो फेरी जा रही है लेके, हमारे से आगे तीन गाड़ियाँ रह गई थी, हमारी थर्ड कार है. We can walk there even. हमारी जगह नहीं बनी. And that ferry is going. तो भाई नेक्स्ट जो फेरी आएगी उसमें हमारा नंबर है. ये हमारी थर्ड कार है लाइन में, तो वो फेरी चली गई है, उसमें जगह नहीं मिली. आधा घंटा वेट करना पड़ेगा आई थिंक. सो वी आर हियर, टू कार्स इन फ्रंट ऑफ अस एंड वी आर जस्ट वेटिंग. ओके, द फेरी इज कमिंग सून. एंड देन दिस इज द रॉन्ग फेरी. So we need to drive 15 minutes another way and take the right ferry. So we are actually getting on the island we wanted to go. अबे गलत जगह पे आ गए. Google Map हमें गलत ferry पे ले आया. Google Maps and Nomi, huh? Nomi का क्या कसूर है भाई? मैं तो maps को देख-देख के drive करके आ गया. अब Google पता नहीं गलत ferry पे ले आया. हमारा plan ही नहीं था इधर से कहीं जाने का. इतनी लंबी line में wait किया आधा घंटा पौना घंटा. अब वापिस जा रहे हैं. अब वो जो, क्योंकि हमारा इधर से कोई प्लान नहीं है, अब हमें नहीं पता अगर हम ये फेरी ले लेते हैं तो हम वहाँ से जो हमारा प्लान था उधर कैसे जाएंगे. अब वापस जा रहे हैं जो हमारा प्लान था वो उस फेरी की तरफ. अब आई थिंक नाउ वी विल हैव टू वेट देयर आल्सो लाइक हाफ आवर. कम डाउन, लेट योर ब्लड स्टॉप बॉइलिंग. भाई टाइम पर तो पहुंच गए हैं. 7 मिनट पड़े हैं फेरी के निकलने में, लेकिन एक दफा फिर से हम लाइन में लग गए हैं और सबसे आखिरी गाड़ी हमारी है. तो अब पता नहीं जगह मिलती है कि नहीं. लेट्स सी अगेन द सेम व्यू. ओके, सो इट सीम्स दैट वी आर फाइनली गेटिंग इनटू द फेरी. द लाइन वाजंट सो लॉन्ग दिस टाइम. या लकीली दिस, ये लाइन बहुत लंबी नहीं थी. लगता तो है कि मिल जाएगी जगह. नाउ लेट्स सी. हां, लुक्स लाइक इट्स गेटिंग फुल. ओए यार, फिनिश हो गई. डोंट से. या शी डिड लाइक दिस. आर यू सीरियस? या शी सिग्नल्ड दैट स्टॉप. नहीं, दे आर जस्ट सेटिंग द प्लेसेस फॉर अस. हां,
I'm hopeful anyway. Finally, we are in. Yay! We made it. Yeah. Wow. ये हमारे पास सिर्फ दो गाड़ियों की जगह है, तो luckily हमें जगह मिल गई है. Yes. So let's go to see around. फाइनली भाई जगह मिल गई है और अभी आई थिंक कोई 25-30 मिनट का ये राइड है दूसरी साइड पे आइलैंड पे निकलेंगे जाके वहाँ से फिर दोबारा ड्राइव करेंगे तो सीन आप चेक करें हुआ और ये जो फेरी है ये बिल्कुल फ्री है इसके कोई भी पेमेंट नहीं देना पड़ता क्योंकि ये एक तरह का लोकल ट्रांसपोर्ट इसको कंसिडर किया जाता है तो इसलिए इसके पैसे नहीं देने पड़ेंगे लेकिन आगे एक फेरी है जिसके पैसे भी देने पड़ते हैं क्योंकि वो काफ़ी लंबी राइड है तो इसका बिल्कुल फ्री है ये क्योंकि यहाँ के लोकल लोग इसी को यूज़ करके आते जाते हैं इस एरिया में कोई मेनलैंड नहीं है और आइलैंड्स के दरमियान सफ़र करने के लिए आपको मोस्टली फेरीज का इस्तेमाल करना पड़ता है कुछ आइलैंड्स के दरमियान ब्रिजेस भी मौजूद हैं इनकी तादाद बहुत कम है तो इन फेरीज में आप कैप्टन का केबिन छोड़ के हर जगह फ्रीली मूव कर सकते हैं और यहाँ के जो खूबसूरत नज़ारे हैं समंदर के उनसे आप लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं कुछ फेरीज में यहाँ पर कैफेटेरिया भी आपको मिल जाएगा जहाँ से आप स्नैक्स और कॉफ़ी वगैरह इस तरह की छोटी मोटी चीज़ें ख़रीद सकते हैं और टॉयलेट भी यहाँ पर अंदर मौजूद होता है और एक सबसे इम्पोर्टेंट बात जिसका आपको बहुत ख्याल रखना पड़ता है कि फेरी के दूसरी साइड पर पहुंचने से पहले आप हमेशा कोशिश करें कि आप टाइम पर अपनी गाड़ी में पहुंच जाएं क्योंकि अगर आप लेट हो गए और बाकी गाड़ियां निकल गई तो पीछे वाली गाड़ी को आपकी वजह से वेट करना पड़ेगा तो हमेशा कोशिश करें कि आप टाइम पर वापस पहुँच जाएँ तो ये सामने जो आपको छोटा सा ऊपर एक कैबिन नज़र आ रहा है ये वो कैबिन है जो कि कैप्टन का कैबिन है और यहाँ से इसको कंट्रोल करता है तो इस कैबिन को छोड़ के आप कहीं भी फ्रीली आ जा सकते हैं तो सामने ये आपको बहुत सारी साइकिल्स नज़र आ रही होंगी तो यहाँ पर बहुत सारे लोग साइकिल पर भी घूमने आते हैं क्योंकि ये बहुत फेमस टूरिस्ट अट्रैक्शन है और अभी गाड़ी पर आने से पहले वैसे हमारा भी यही प्लान था कि हम भी साइकिल पर जाएंगे लेकिन फिर हमने सोचा कि वो बहुत स्लो हो जाएगा और उसके लिए फिर बहुत ज़्यादा टाइम भी चाहिए होगा क्योंकि ये पूरा रूट जो है तकरीबन 500 किलोमीटर के आसपास है तो इसलिए फिर हमने साइकिल का प्लान चेंज कर दिया क्योंकि उसके लिए वक्त बहुत ज़्यादा चाहिए और इतना टाइम निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है तो अभी फाइनली हम लोग नेक्स्ट आइलैंड पर पहुंच चुके हैं और सबसे पहला और इम्पोर्टेंट काम अभी ये करना है कि कोई मार्केट ढूंढनी है जहाँ से हम लोग खाना खरीद सकें क्योंकि भाई बहुत भूख लगी हुई है सुबह का नाश्ता किया हुआ है तो पहले खाना ख़रीदते हैं उसके बाद कोई कैंप ग्राउंड ढूंढते हैं जहाँ पर आज रात कैंप लगाएंगे और स्टे करेंगे तो वो सब हम आपको दिखाएंगे नेक्स्ट वीडियो में वरना ये वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बाकी जो इंस्टाग्राम और फेसबुक का जो हमारा लिंक है वो हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे आप वहाँ जाकर उसको भी अगर चाहें तो प्लीज़ फॉलो कर लें तो इससे थोड़ा हमें मोटिवेशन मिलती है तो हम और वीडियोस बना सकते हैं सो अंटिल द नेक्स्ट टाइम टेक केयर ऑफ योरसेल्फ और अल्लाह हाफिज़